अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम बनाने जा रहे हैं रमज़ानों में बनने वाली आलू प्याज की पकौड़ी। और यह पकौड़ी यूपी में बहुत ही फेमस है और यह रमज़ानों में यूपी में रोज़ाना बनाई जाती है। तो आइए अब हम इसकी तैयारी करते हैं। ये हमने 3 आलू ले लिए हैं मीडियम साइज़ के, और इसको हम अच्छे से छील लेंगे। और यह पकौड़ियाँ हमारी यूपी में बहुत बनाई जाती है और ये बुलंदशहर में बहुत खाई जाती है और सभी इसे बहुत अच्छे से खाते हैं। तो ये देखिए, हम इसको अच्छे से छील लेंगे इस तरह से। और अब हम इस आलू के बीच में से 2 टुकड़े कर लेंगे। और ये देखिए, इसको हम इस तरह से बारीक बारीक करके काट लेंगे ताकि एक आलू के पकौड़ियों का क्रिस्प अच्छा आए। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए कितने बारीक काट दिया है मैंने पतला। इस तरह से हम सारे आलू काट लेंगे, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। और अब हम ले लेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज। अब इसको भी हम छील लेंगे और इसे भी हम, इस प्याज के हम 2 टुकड़े कर लेंगे। और उसके बाद हमें, जैसे हमने आलू काटे हैं इसी तरह से हम अपनी प्याज को भी काटेंगे। ये देखिए हमने आलू प्याज छील लिए अपने, अब इसको 2 टुकड़े करेंगे और इस तरह से बारीक काटेंगे। ये देखिए हमें इसे भी ऐसे ही काटनी है, क्रिस्प अच्छा है इसका। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ हमें कितनी बारीक प्याज रखनी है। और इसी तरह से हमने अपनी प्याज काट ली है। अब हम इसमें अपना पानी डालेंगे और अच्छे से इसको वॉश कर लेंगे। तुरंत ही हमें पानी डालना है ताकि हमारे आलू काले ना पड़े। इसको अच्छे से हम साफ़ कर लेंगे, धो लेंगे, इसका पानी निकाल देंगे। ये देखिए हमने इसको धो लिया। अब हम इसमें डाल देंगे बेसन। हमने इसमें 1 चम्मच भर के बेसन डाल दिया है। ये हमने फ्रेश धनिया पत्ता डाल दिया है और ये हमने अपनी मिर्च डाल दी है, छोटी बारीक कटी हुई हरी मिर्च। और ये हम डाल देंगे थोड़ी सी लाल मिर्च और इसमें डाल देंगे हम स्वाद के अनुसार नमक। बस इतने ही मसाले डालते हैं। तो अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे ताकि इसमें सारे मसाले मिल जाए। ये देखिए ये हो गया है हमारा तैयार। और अब हम डालते हैं इसे अपने कढ़ाई में। हमने अपनी कढ़ाई चढ़ा दी है गर्म होने के लिए। ये देखिए हमारी कढ़ाई है तैयार, तेल भी हो गया है हमारा गर्म। ये देखिए हमने चेक कर लिया है। अब देखिए इसी तरह से हम अपने बैटर में से आलू प्याज के पकौड़े बनाएंगे। ये देखिए जितने भी हमारे इस कढ़ाई में पकौड़े आ सके हम उतने ही डाल लेंगे। ये देखिए जहाँ जहाँ जगह है वहाँ डाल लेंगे अच्छे से। ये खाने में बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही क्रिस्पी होते हैं। और इसे आप भी अपने घर में बनाइए और सबको खिलाइए, ये खाने में बहुत ही अच्छे होते हैं। ये देखिए किस तरह से, ये देखिए अब मैं इन्हें पलट दूंगी क्योंकि ये एक तरफ से पक से गए हैं, सिक गए हैं अच्छे से। अब मैं इन्हें पलट दूंगी। ये 5-10 मिनट में बनके तैयार हो जाते हैं आलू के पकौड़े। ये देखिए अब इस, ये अपना रंग चेंज कर रहे हैं। ये देखिए अब इन्होंने अपना कलर चेंज कर लिया है इस तरह से। ये देखिए इसी तरह से हम इसको अच्छे से तल लेंगे। और ये देखिए अब हो गए हैं हमारे, ये देखिए आलू के पकौड़े तैयार। अब हम इसको अपने छन्नी में निकाल लेंगे ताकि इसमें जो भी ऑयल होगा वो सब निकल जाएगा। ये देखिए हमारे तैयार हो गए हैं आलू प्याज के यूपी के मशहूर पकौड़े। ये देखिए ये हैं बिल्कुल रेडी हमारे आलू प्याज के पकौड़े। और अब हम इसे कर लेंगे सर्व। ये देखिए हम इसे प्लेट में निकालते हैं। इसमें बहुत ही क्रिस्पनेस आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए कितने क्रिस्प लग रहे हैं देखने में, ये बहुत ही लाजवाब लग रहे हैं। ये देखिए मैंने इन्हें सर्व कर लिया। हम इसे चटनी के साथ, मायो के मेयोनेज़ के साथ, इस सॉस के साथ खा सकते हैं। ये देखिए किस तरह से आराम से टूट रही है ये आलू की पकौड़ी। तो आप इसे अपने घर में ट्राई कीजिए। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।